आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक विरहा आपके बीच में जा रही है। कहा जाता है कि भारत देश देवताओं का देश है। यहाँ लंबे समय तक केवल देवता ही पैदा होते रहे, लेकिन देवताओं की पैदाइश कान से, कीचड़ से, मैल से, गोबर से, इतनी महान धरती ये है। और ये सारे देवताओं ने यहाँ सृष्टि की रचना कर दिया। अगर देश आध्यात्मिक देश है तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि जो देवताओं का देश है यहाँ इंसान इतना हरामखोर क्यों है? कहाँ है इनकी संस्कृति? एक बिरहा है, चार लाइन बिरहा में भूमिका है। जिंदगी का यह में सत्य संघर्ष है, भाई भाई को जीवन समर्पित किया, दर्द भाई का भाई सहन ना किया, जिंदगी अपने भाई पे अर्पित किया। मोहन वर्मा जबलपुर निवासी रहे, आखिरी वक्त में ये कहसरत सजाए, पास मनु मनोहर को अपने बुला, फर्ज भाई का मनु को रोकर बताए। ये जबलपुर मध्य प्रदेश की छोटी सी कहानी है। छोटा ही परिवार में दो भाई थे, माँ मर गई थी, पिता बीमार चल रहे थे, और उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया, अपने दोनों बच्चों को, और बड़े बेटे मन्नू को उन्होंने रो करके बताया कि मैं अगर धरती छोड़ देता हूँ तो मनोहर को भाई मत बेटा समझ करके पालन पोषण करना, पढ़ा लिखा करके इसको डॉक्टर इंजीनियर बना देना, ये मेरी हसरत है। यही कह करके चंद दिनों में धरती को अलविदा कर दिए। यही जन एक लाइन टुकड़ा है मास्टर जवान, वाह वाह। जय हो। बड़ी सुघर गीत हो, कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत हो, मासुक मसुक्की के समझावत हो, क्या बात है? का समझावत हो? अल्लाह अल्लाह, ये आता कैसी है इन हसीनों की, अल्लाह ये अदा कैसी है, ये अदा कैसी है, रूसे पल में रे पल में, रूसे पल में, रूसे पल में न माने महीनों में, रूसे पल में न माने महीनों में, अल्लाह ये आता
लेकिन गाने का भाव है, अगर भारत आध्यात्मिक धरती है, भारत देवी देवताओं का देश है, तो उन देवी देवताओं से मैं पूछना चाहता हूँ। नटवर नटवर तू जरा देखो इस अब जमाने को, नटवर तू जरा देखो कोई फरकी नहीं रे, कोई फरकी नहीं अपने बेगानों में, नटवर तू जरा देखो अब जमाने को, कहते हैं कि भगवान धरती पर गलत नहीं करता, भगवान जो भी करता है सही करता है, लेकिन एक कहने वालों से मेरा सवाल है कि बताओ कि अगर भगवान हर काम सही करता है, भगवान ने इंसान को सही बनाया, तो इंसान गलत क्यों करता है? फिर यही मदारी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हम घट घट में बास करते हैं, हर जगह हम बास करते हैं, हमारे बिना आदेश का एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बताओ कि जब तुम्हारे आदेश का एक पत्ता नहीं हिलता, तो यहाँ चोरियां कैसे होती है, हत्याएं कैसे होती है? इसलिए कहीं ना कहीं तुम लोगों का पोल पट्टा खुल रहा है, अब इसे हम नहीं मानेंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है, हम उस पर स्मरण कर रहे हैं। एजेंट शहर का लाइन है बाबू, कहे मोहन की मनु फर्ज निभाना होगा, कहे मोहन की मनु फर्ज निभाना होगा, बाप का प्यार मनोहर पे लुटाना होगा, यही का सांस जो मोहन की आरो टूट गई, जिंदगी हंसती दोनों भाइयों की लूट गई, बड़ा अरमान था, बड़ा अरमान था, जीवन का एक सपना था, मगर दुनिया में अब कोई नहीं अपना था, बात को कहते कहते बाबू की सांस रुक गई, दोनों भाई मिलकर के बाप की अंत्येष्टि किए, और अंत्येष्टि करने के बाद बड़ा भाई मन्नू सोच रहा है कि पिताजी जो कह करके गए वो मुझे भाई के साथ अब अदा करना होगा। एजन गीत बदल गेल बेटा, यह गीत का लाइन ही हो, का हो कि हंसी हंसी गोरी माना सैया बतिया, इत गीत हो लेकिन ओरिजिनल चीज सुना, रात दिन मनू जाते हर रिक्शा चलावल जबलपुर सहरिया, मनोहर के पढ़ावल जबलपुर सहरिया, मनोहर के पढ़ावेला जबलपुर सहरिया, मनोहर के पढ़ावेला, रात दिन मनू जाके रिक्शा चलावेला, रात दिन मनू जाके
जबलपुर सहरिया माँ नुहर के पढ़ावे, जबलपुर सहरिया माँ नुहर के पढ़ावे। बड़ा भाई रिक्शा चला रहा है और छोटे भाई को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला करा के पढ़ा रहा है। अब एक दिन मनोहर घरे अल देखला कि भैया रिक्शा चलाए के आयल हमें चूल्ह बर्तन करत हमें, तो वो समय मनोहर मन्नू से कहलाए, का कहलाए, एक दिन मनोहर कहे माना भैया बतिया कई के बियाह लावा घर में अवरतिया। कला ए भैया बिया कला घर में भौजी आ जाई, तू मेहनत कई के अबा दू रोटी बनल बनावल खैबा, आ हमहू स्कूल से आई तो हमहू के पानी दाना मिली। ई बात मन्नू के दिमाग में बैठ गई, तब लिखे के पड़ल मनोहर के बात मन्नू मनोहर के बात मन में गांठिया वाले जबलपुर सहरिया माँ नोहर के पढ़ावे ला, जबलपुर सहरिया माँ नोहर के पढ़ावे ला, जबलपुर सहरिया माँ नोहर के पढ़ावे ला। मन में बाँधिया वाला कबात मनू मन में बाँधिया वाला जबलपुर सहरिया माँ नोहर के पढ़ावे ला। भैया भाई की बात को बड़ा भाई मान लिया और शादी कर लिया मीना नाम की लड़की से। शादी करके मीना को घर में लाए और जब घर में लाए तो कहला कि देखा मीना हमारे एक ठे शर्ती हो, का शर्ती हो कि जबले पढ़ा के भाई के कौनो वहदा पर ना बैठा ले तब तक शादी न करो, लेकिन भाई के कहले पर हमने शादी कर लिया तो शादी तो कर लिए, लेकिन जब तक भाई हमारा नौकरी नहीं पाएगा तब तक हम तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। मीना हंस पड़ी कि बाहर स्वामी गर्व हो रहा है मुझे कि आज भी इस धरती पर इस प्रकार के भी भाई हैं कि भाई के लिए इतना बड़ा संकल्प आपने किया है तो मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। जब तक आपका भाई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पाएगा तब तक कभी मैं पति का अधिकार आपसे नहीं मांगूंगी। यही जन गीत एक ठे बदलल कवन गीत है क्या बात है। यह गीत का लाइन है हो धीरे धीरे मनोहर इंटर में पढ़ के पास का गयल आ आके मन्नू से ठे बात कहत हो, का हो छलिया का रूप बनाए छलिया का रूप बनाए श्याम चूड़ी बेचने आए, लेकिन भाई कह रहा है मनोहर अपने बड़े भैया मन्नू से भैया मेरे मन में एक इच्छा है। क्या है समझावत हो मन मोहल सेना कवरती मन मोहल सेना कवरती मले करी में हो बहमा भरती मला
भैया जबलपुर में भर्ती चलत है, हमार मन करत है कि जाके फौज में भर्ती हो जाई। मन्नू कहला बाबू तुहार इच्छा हो तो तू चल जा, हमार संकल्प है कि तुके सरकारी नौकरी दियाई। तुहा सरकारी नौकरी दिया के तुहार ब्याह कई के तुहा संतुष्ट कई के बाबूजी के बचन का हम पालन कर पाई थी। चल गए लड़का भर्ती हुए, गैल फिचकल भैल दौड़ भैल सब कुछ में लड़का हुआ लाए, लेकिन बाहर भारत का सिस्टम सब कुछ निकाल लिया वो, लेकिन जब चला है तो अधिकारी संकेत किया कि बेटा हर चीज तुम्हारा अच्छा है, लेकिन एक काम करना होगा। वह बात आई कि अपने भैया से बतावत हमन, ये भैया कुल तो बढ़िया हो गया लेकिन एक ठे समस्या। का समस्या हो? सबसे बढ़िया हमार तैयारी हवे, रुपया 2 लाख मांगते अधिकारी हवे, कल भैया मैंने फिजिकल निकाल लिया, दौड़ निकाल लिया, लंबाई मेरी सही है, लेकिन अधिकारी कहा है कि फौज की वर्दी अगर लेना है तो कम से कम 2 लाख की व्यवस्था कर लो। भैया बोला तोहार का बामर जी, भैया बोला तोहार का बामर जी में हो अलग कौनो बात ना बाबू, पैसे का बंदोबस्त मैं कर रहा हूं, तुम तैयारी करो। दूसरे दिन सवेरे रिक्शा निकल आए और रिक्शा निकाल के डेली रिक्शा जब निकाला है तो वहीं जबलपुर में एक डॉक्टर थे रामेश्वर गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता के रूम से उठा के मन्नू उनके हॉस्पिटल पर छोड़ा और शाम को लौटते समय हॉस्पिटल से लाके रूम पर छोड़ते थे। जब उस दिन गए डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता से कहे कि सर मुझे 2 लाख की आवश्यकता है, तो रामेश्वर गुप्ता ने कहे कि चलो हॉस्पिटल में बात करता हूं। जब हॉस्पिटल गए चैम्बर में पहुंचे तो बुला करके मन्नू से कहे कि देखो तुम गरीब हो, 1000-2000 की तुम्हारी औकात नहीं है, 2 लाख तुम्हें नहीं देगा कोई, लेकिन पैसा मिल सकता है। कैसे मिली? हर इंसान के शरीर में 2 किडनी होती है, 1 किडनी निकल जाने के बाद भी व्यक्ति जिंदा रहता है, तुम अपनी 1 किडनी बेच दो तुमको आराम से 2 लाख रुपया मिल जाएगी। जिस समय इस बात को सुना, रिक्शा घुमाया, घर आया और सोच रहा है अपने मन में, मन्नू क्या सोचता है, क्या बात है, यह गीत का लाइन हो का हो, पातर रही राम जी के, अरे पातर कर ही आए रामा, पातर कर ही आए किन। गाने का भाव है, भाई सोच रहा है, भाई बाद बेच बने
विचार करके घर आया और घर से दूसरे दिन हॉस्पिटल गया और जाकर के डॉक्टर से अर्जी लगा दिया, निकाल लीजिए मेरी किडनी और मुझे पैसा उपलब्ध करा दीजिए। पहुंच करके हॉस्पिटल में कहते हैं, क्या कहे, जाके अस्पताल दी हलें दोहाईया, जाके अस्पताल वाले जय हो, जाके अस्पताल वाले दी हलें दोहाईया, किडनी बिकाइल पवले लाख रुपया हो, किडनी निकल गई, किडनी की कीमत डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता ने आंख लिया 1,00,000 रुपया, तुम्हारे किडनी की कीमत महज 1,00,000 ही रुपया इंटरनेशनल मार्केट में आंकी गई है। कल कौनो बात ना साहब, वह 1,00,000 हमके दे दा। 1,00,000 लिए स्वस्थ होकर के घर आए, अब लेटे हैं चारपाई पर, आंख से आंसू चल रही है, सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं मनु, 1,00,000 आई कैसे, 1,00,000 आई कैसे, मानब मंगनिया ये भैया, भाई बाद बेचब अपने दिल का किरनिया ये भाई, भाई बाद देह का किरनिया करके घर चारपाई पर लेट करके आंख में आंसू लिए, सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, अब पैसा हम कहां से लाएंगे, हमारा भाई कैसे फौज में जाएगा। मीना पहुंचल कल की, अरे सैया काहे इतना दुखी हुआ, कल की 1,00,000 तो मिल गई, लेठे अंग बिक गयल, अब यह सोचत है दूसर का लाख कैसे ले आई। बाहर पत्नी भारतीय संस्कार में पली हुई वो औरत अपने पति के संकल्प और दुख को देख करके कह रही है, क्या कहती है, यह गीत का लाइन हो, यह गीत का लाइन हो कि पिया परदेसी गई ले तार लागे टोपिया में, लेकिन आज वो औरत बेचारी रोई के कहती हो, का कहलस, हमके अस्पतलवा पहुंचाई दे सजना, हमके अस्पतलवा पहुंचाई दे सजना, पहुंचाई किडनी हमार
तलवाई देता सजना, किड़नी हमारी निकलवाई देता सजना, हमके अस्पतलवा पहुंचाई देता के मीना कहती है कि अरे पतिदेव, जिस भाई के लिए आपने अपना आधा अंग बेच दिया, मैं पूरा अंग लेकर के क्या करूंगी, मेरी भी एक किडनी निकलवा दीजिए, मेरी भी किडनी बेच दीजिए ताकि 2 लाख रुपया हो जाए और आप अपने भाई की शौक पूरा करते हुए अपने पिता के वचनों का पालन करिए। जब इतनी बात कहलस, मोहन उठ के बैठल रोवत हम, कहल कि क्या कर रही हो मीना, मैं भाई के लिए अकेला संकल्प लिया हूँ। कहल ना स्वामी, मैं आधे अंग की मालिक हूँ, अगर आपको कष्ट हो रहा है तो ये कष्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कहलस, देवर से बढ़ी के नहीं पाटी मोर शरीरिया, रुपया जुटावा देवर पई है नौकरिया, अगर यहू से ना पूरा हो तो गहना मोर बंधक, गहना मोर बंधक धराए देता सजना, गहना गिट्ठो बेच के और रुपया के इंतजाम कैलें, पत्नी की भी एक किडनी निकल गई, 2 लाख रुपया मिलल। आज जब रुपया मिलल, रुपया जमा कैलें, तब मनोहर के शरीर पर वर्दी चढ़ गई। आज जब वर्दी चढ़ल तो तिलकहरुन का लाइन लगे लगल, आज तिलकहरुन का लाइन लगे लगल रिक्शिया के, जे जहां हो वही रोक के का हो भैया, अरे भैया का हाल चाली है, चला तनी घाटी खाला, समोसा खाला, तनी पानी कानो कैला, सुनली तुहार भाई भर्ती हो गयल तो शादी करबा, कलम भैया शादी तो करब, दान दहेज न चाहिए, एक ठे भाई लायक पढ़ल लिखल कायदे के भय हो मिल जा तो ब्याह कैले। वही बीच में शादी पट गई, लड़की का नाम था सरता, एमए पास थी, आए मैं पास सरता से मनोहर की शादी हो गई। आज जब मनोहर का शादी भइल, सरता दुल्हन बन के आई, तो खपड़ैला में मनोहर आ सरता आ बहरे मड़ई रहल, ओमे मीना या मन्नू, मीना बैठ के गोड़ दबावत है, कल का सैया, अरे बहिन कुछ बाकी हो, अब तो नौकरी भी पा गई, ब्याह भी हो गए, दुल्हन भी आ गई, अम्मा लगी हमानो का कुछ बात आगे बढ़ी। कहला कि बिल्कुल सही, अब मड़ई में रेक्सी हवा, खपड़ैला में फौजी हवा, अपन अपन मेहरारू लेके दोनों सुतल, तब दोनों जब सतमे लेके सुतल लगना खोज कर, दोनों खोज करे लगला, आ दोनों अपन मान ला कि हंसे बोले लगला, खाए पिए लगला, चाले बोले लगला, हिले डोले लगला। आज जब दोनों सथमा हिलल डोलल तब स्वाभाविक हो, दोनों की औरत साथे साथ में ही गर्भवती हो गई।
अपन तो चल गया ड्यूटी पर, आज अब कुछ दिन बीतल ले गईला जांच करावे बदे, आज अब जांच करावे बदे ले गईला तो पता चलल कि दोनों गर्भवती है। चिट्ठी लिख देना भाई को मालूम हो हमारी पत्नी भी गर्भवती है और तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है। भाई बड़ा खुश भयल, समय बीतल 9 महीना बीतल, लेकर के दोनों कई कई हॉस्पिटल में गए और दोनों दो कमरे में बेड पर प्रसव पीड़ा से पीड़ित मीना या सरिता। वो करीब बात दोनों को बच्चा पैदा हुआ, बस फर्क का पड़ल बाबू कि जो सरिता का बेटा था मरा हुआ पैदा हुआ और मीना का बेटा स्वस्थ हालत में आइल। पैदाइश कराओ वाली मेमिन आय के कहलस मनु से खुशी की बात है कि दोनों को बेटा पैदा हुआ, लेकिन छोटी बहू का बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य उसका गड़बड़ है, अगर उसे पता चलेगा तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कल तब का करी, कल भी बेहोशी हालत में है, अपना बेटा मीना का बेटा उसकी गोद में डाल दो और तुम्हें जान लेना कि वो बेटा तुम्हारा ही है और मरे हुए बेटे को वो एक्सेप्ट कर लो और उसकी अंत्येष्टि कर लो। अब गईला मन्नु अपने औरत मीना से कहना कि ऐसन बात यो कि ओकर लड़का तो मरल पैदा भयल, भाई के सूचना दे बड़ा कष्ट होई, ओके होश आई तो वो रोई हमहन के निकना लगी। हमहन का तुहार देवरान ना हो बल्कि बिटिया हो और हमारी भयो नहीं है, हमने भाई को बेटे जैसा आदर किया तो अपनी भयो को भी बेटी जैसा आदर कर रहे हैं, तो इनका कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कल तब समझावत हम गीत लगा लेते यह गीत का लाइन है माई बहन गावली के, कैसे गावली कि झर मणुआ जिन वही हाये बाबा हो लागी सुरू जावा के ज्योति हो। लेकिन ये बात के सुन के मीना रोए लगल, कल बाहर सैया का कहलस नवही परिसवा सैया नवही माहीना नवही परिसवा सैया नवही माहीना गोदिया भाई लखुल नवही माहीना सैया गोदिया भाई लखुला। जवने हीरा का बहिन बोलियो ना सुनली देखली नया खिया पसारी हो। कल ये सैया जवने लड़का के बोल ना सुनली एक दाई हमके माई कह देले हो तो हम बर्दाश्त कर ले। बड़े भाग लागल सैया डाली में बउराया हो बड़े भाग लागल सैया डाली में बउराया हो काहे बनवला गुला जारी हो। ले जा सैया ही हो अपन मन्नत पूरा कर, बच्चे को दे दी मीना ले जाए कि ओकरी गोद में सुता देलन आ ओकर मरल लड़का उठा लेलन ले जाए कि अंत्येष्टि कह देना। आज अब अंत्येष्टि कह देलन भाई के फोन केलन कि बाबू
लड़का दुल्हन के पैदा भयल, लेकिन हमार बेटा मरल पैदा भयल, तुहार बेटा तुहार बीबी दोनों स्वस्थ में। कलम भैया घबरा मत आवत है, बढ़िया से बरही कैल जाई, नामकरण कैल जाई, हमें चिंता कैले के जरूरत नहीं हो। वो लड़का भी भैया समझ के रही है कि तुम्हारे लड़का हो, अल घरे मर मिठाई बटलें, धीरे धीरे समय बीतल, लड़का बड़ा भयल, 3-4 साल के जब हो गया तो लड़का बीमार पड़ गया। आज जब लड़का बीमार पड़ल तई दुल्हनिया सरिता गांव के लोगन से कहे लगल, लेकिन कहा जाता है मित्रों कि लहू बोलता है, वो लड़का जब सरिता खिलावे तो बराबर रोवे, लेकिन जब मीना उठा ले तो तुरंत फटा जाए। ये बात का शिकायत गांव में होवे लगल, गांव के 2-4 मेहरारू जुट के कहले कि हमके शंका लगत हो कि लड़कवा पर तुहरे कुछ टोना डोगा कैले हो। तो सरिता कली कैसे ठिकाई, कला वो पूरा पर ओझा जगन्नाथ बाबा हुआ उन्हें केहन जा। अब गैली लड़का के छोड़ देली, गैली जगन्नाथ बाबा केहन, आ जगन्नाथ बाबा लवंग में लवंग भिड़ौल, कपूर पर धई के कपूर जरौल, आ जराय के का कहलें, कहलम माई तनी छोड़ आसन, आज आय के लोहे का भार उतार के फूल का भार चढ़ा दे, मन भर खाए नींद भर सुते, तब माई मत तो के जन्मू नहीं, तब बहने तो के उठाए के धोबी के नाद में बैठा के छोड़बो। माई आसन ना ले ले, आसन ना ले ले तो ओझा पुकारे लगल, का कहल कि मैया मोरी छोड़ा ना होया सनावा, ए हो मैया छोड़ा ना होया सनावा, ए हो मैया जैसे सोखा इतना काला आरा राय के भगवती चढ़ल, आ कहलक का हरे कलग माई देख लड़का के काबल, माई बतावत हो कि लड़का खतरा में हो, सोखा वही दरिया भरम भर देला, आ भरम भर के कला की इतना लड़का छोड़ के आई ली जल्दी से जो घरे, आ जल्दी से घरे जो नहीं तो तोर लड़का बची ना। आए अपने पति के तुरंत फोन कर, वो एक ठे मिलिट्री वाला लमका लेके आवे, आ देसी मुर्गा तब एक टोना डोगा छोड़ावे के पड़ी। यही जन गीत बदल गई भैया, वह गीत का लाइन हो का हो कि पपिहारा हरि क बोल जनी बोला, तो गीत का लाइन है लेकिन गाना का ओरिजिनल भाव हो का हो, फोन कर दहलस फौजी हवा के सरिता, आ कहत हो का कहलस, परनावा खतरा में बाय मुनावा के, नौकरी बवा लड़का के जीवन खतरा में हो, कल कैसे तो कहते आयल है जगन्नाथ बाबा बतौला है, अब ही का बतौला है, अरे मरल जेठानी ताना मुनवा के माथे, लागत मुनवा लागी नाही हाथे, तराम
बड़ी भौजाई वाला बनल लला माई कहत रला है देखा का स्थिति लैका के कैले हो लैका अब हाथे लगी ना हम ले थे तो रोवल करत हो करी गोदी में जाते तो पटाए जाते कला छे एक काम कर कि तब बहने बहरी बाहर सोखा कियन पहुंच हम बहरी बाहर आवत हैं ई सोखा कियन गईल वो धर दे ट्रेन पकड़लस आ गेल पहुंचल सीधे सोखा कियन आ सोखा कियन गयल बोतल थम होलै पान ठे पन सौआ थम होलै ओकरे बाद कला बाबा कौनो तरह से लड़का हमार बचे के चाहिए कला घबरा मत लड़का तू हर बच जाई लेकिन एक बात सुन ला तू अनो निहाय आयल हुआ उहां उ लड़का के मिसले हो आ दूध में जहर मिला के पियावे के तैयारी करत फिर भरा भरम आज भरम भरा कला की जल्दी से जा लड़का के बचावा लोगन यहाँ से दोनों परानी चल रहे आए अंगना में मुन्ना की बढ़िया से मीस के गोद में लेकर के दूध पिल्ली भर के पियावत है आज अब आए के देखलस कि इता सोखा सही है बतौला तुरंत जाए के लड़का के गोद से छिनलस आप पकड़ के झोटा उठा लेलस थपरन थपरन मारे लगल आज हम मारे लगल तो बेचारी कहती एक गीत है बाबू कि अरे बाबू दरोगा जी यह गीत का लाइन है कि बाबू दरोगा जी अरे कौन गुनहिया बनला पियावा मोर बाबू जय हो लेकिन जैसे ही प्रवेश करत हम घर में बड़ी खुश भइल कि हमार बबुआ भी आ गेलन लेकिन बबुआ से कहत हियो का कहलस देवर बबुआ हो देवर बबुआ हो हथवा मुहावा ढोला कैला जलपान देवर से घर आयल बाटा देहिया गईल थकाई हमारे लागे बलिका बबुआ गोड़ावा दे दबाई की देवर बबुआ आज बचन भौजी के ले देवर बबुआ हो वो तो बिचारी आदर सम्मान कर रही है कि हमारा बाबू हमारा बेटा हमारा देवर आया है इतना कहती है ए तमतमाया चेहरा लाल आंख किए हुए लड़के को पहले छीनता है दूध हाथ से लेकर के फेंकता है और हर शहर में मन्नू रिक्शा चलावत हुआ पता पा गेलन कि हमार बाबू घरे आ गेलन तुरंत रिक्शा घुमलो बिरहा में विदेशिया का लाइन लगल रिक्शा घुमाई धैले घर कड़हरिया हो खुशिया में आईले मन्नू अपने भावाना
घरवा में देखे जब मनोहरी बीरनावा के केसिया पकड़ के मारती रहल बीराना जब घर में हेले देखे आंगन का नजारा कि मीना को घिसरा घिसरा के लातों घूसों से मनोहर पीट रहा है। पहला पैर जैसे चौखट में डलना है, आवाज दिए रुक जाओ क्या कर रहे हो, खड़ा हो गया अलकलक, खबरदार भैया दूर से बात करिया, एजन बिरहा में तेरी का भाव लिखाया। तार हो गई, अरे मानवता तार तार हो गई, कि अपना एक में चली है भैयाई परिवार। जय हो। कहला कि खबरदार भैया दूर से बात करी है, अभी परिवार एक में न चली। रोए लगना, कहला कि अरे बाबू ये क्या कर रहे हो, कहला जवन कहत है सही कहत है, लेके औरत के निकल गईलन जाके बहरे ट्यूबवेल पर रहे लग लगे बाबू। कहला कि बाबू ये जितना घर द्वार सब कुछ तू ले ला। मीना को लेकर के मन्नू आ गए ट्यूबवेल पर, वही जे दोनों प्राणी बनावा खाए लगना, लड़का भी गयल, वही जन दोनों अपन धीरे धीरे गुजर करत हुए। आये हर चार छह दिन बीता, मनोहर कह रहा है सरता से कि हमें सर्वेंट रूम मिल चुका है, घर में ताला मारो और हम बच्चे को लेकर के चलेंगे ड्यूटी पर, वही पढ़ाएंगे, तुम वही रहना, लेकिन अब इस घर में इस परिवार में हम नहीं रहेंगे। अब लेके चल दहलन, आज अब लेके चलना है, मन्नू के पता चलल कि भाई घर द्वार में ताला मार के बाल बच्चन के लेके जात हो, हाथ जोड़ के खड़ा भइन रास्ता में कि भैया कोनो गलती हुई क्षमा कह दिया, तू जा थवा तू जा, लेकिन भैया के भूलैया मत। बगलिया करके चला गया, और जब बगल हो करके चला गया, गया है चार दिन बीता, ड्यूटी पर पहुंचा चार दिन बीता, चौथे दिने महाराष्ट्र के ताजमहल होटल पर आतंकियों का हमला हो गया, लगा दी गई ड्यूटी, हेलीकॉप्टर से गया और हेलीकॉप्टर से उतर रहा है छत पर, तैसे ही एक आतंकी ने गोली चला दिया और गोली लग गई मनोहर को, और जब मनोहर को गोली लगी तो पूरी शरीर से खून निकलने लगा, जवानों को उतार करके उसी हेलीकॉप्टर से लेकर के जवान नासिक फौजी हॉस्पिटल में इसे भर्ती कराते हैं। आ घरे सूचना आ गई कि तुम्हारे भाई के गोली लगल हो, गोली लगल है भाई के, जोने समय बात के बाबू मन्नू सुन लें, करेजा तार तार हो गल, बिरहा में आला का भाव लिखा है। अरे सीमा से आयल बाटे देखा पारवनवा भैया, गोलिया लगल बाटी सुनते ही बारी, गोलिया लगल बाटी सुनते ही भाई के खबरिया मन्नू या सिया किया मैं भैया, मीना से निबातिया का हेलो ही बात, मीना से बातिया का हेलो ही सीरा धुन धुन मीना घर वही पे रोवा भैया, सीरा धुन
के दे बाबा बुआ के दर्शन हो करा, चल के दे बाबा बुआ के दर्शन हो करा। साथ में रुपया नहीं रोवत बापी रनवा भैया, साथ में रुपया नहीं रोवत बापी रन हो, साथ में रुपया नहीं रोवत बापी रन भैया। लेके मंगल सूत्र दिहली तुरंत हो थमा, टिकट कटावा चली नासिक दरम्या, टिकट कटावा चली नासिक दरम्या। निकाल के मंगल सूत्र दे देलक कला है ले जा सुनार के बेचियेदा, लेकिन कौनो भी हालत में चल के बाबू से हमार दर्शन करायदा। तुरंत ले जाए के मंगल सूत्र बेचना, किराया जुटौना, किराया जुटा के नासिक मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचे। आज हम मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचे तो शरीर से इतना खून निकल चुका था मनोहर को कि बचने की हालत में नहीं है, खून का इंतजाम हो था। एहर मन्नू का खून मैच कैल गया नहीं मिलल, लेकिन मीना का खून मैच कर गया। कल की पूरा खून उतार ला हमारे शरीर से, डॉक्टर से कहत है सदर कलाई ने। हाथ जोड़ा मीना तब बोली है बचानी, अरे मान ले लो साहब या बाबा तिया हमा, अरे खुनावा उतार ले बा मोरे देहिया, मोरे बाबू का तू जाना वे बच्चा। कहला ये साहब अगर हमार खून मैच के गल तो हमार पूरा खून उतार ला हमरे बाबू के चढ़ाए दा, इनके बिना हमन के जीवन का कोनो मतलब नहीं हो। बगल के बेड पर सोई मीना, खून उतारा गया चढ़ाया गया खून, जब खून चढ़ल इनके होश आयल, वही बगल में सरिता भी बैठी है और नर्स जवन इन्हल उनका पैदाइश करौले रहल, वो भी कुछ दिन ही पहले से जा करके मिलिट्री हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी पर लग गई थी, पहचान गई दोनों को। आज जब दोनों के पहचान गई तब पूछे लगल कि ये कौन तुम्हारी है, तो कला हमार भौजाई हो। मनोहर कला कि हमार भौजी हैं। कला अरे पगला ये भौजी नहीं, इस धरती की सबसे बड़ी देवी है। तुम लोगों के दोनों के महिलाओं की डिलीवरी मैंने कराई थी जबलपुर में, ये अपना मरा हुआ बच्चा, तुम्हारा मरा हुआ बच्चा ये अपने ले लिया, अपना जिंदा बच्चा तुम्हारी औरत की गोद में डाल दिया। सदैव पूजा करते रहना, जब ये बात के सुन लें करेजा तार तार हो गए, रोए लगना कि हे भगवान आज इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई। आखिरी लाइन में अरे रोवे मनोहर, अरे असिया गिराई भाऊ से भी सराई भौजी,
इसी चीज को सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहे थे कि आए मानव समाज के लोगों, मानव से मानव का प्रेम जरूरी है। आज केवल एक मोह में फंस करके भाई भाई के बीच में दरार खड़ी हो गई, लेकिन तथागत बुद्ध की अगर माने तो ऐसे कामों में कभी भाई से भाई में दरार नहीं हो सकती, क्योंकि तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को कहे थे कि जहां समता समानता बंधुता भाईचारा है वही असली धर्म है। अगर इस समय कहीं खोटी है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहना है आखिरी में, गुरु बिहारी गुरुपत्तु हैं सबको यही बताए, बुल्लू गईले सुखनंदन को सही राह चेताए।